अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम कुछ मैथ्स करने वाले हैं। हम फॉर्मूलाज करेंगे फॉर एस्टीमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, आरबीसी, हेमेटोक्रिट, एमसीएच और एमसीएचसी। ये आपको एक एस्टीमेट देते हैं फॉर्मूलाज की क्या वैल्यूज होंगी। कई बार आपके पास एनालाइजर नहीं है अगर, और आपको सिर्फ जो है हेमेटोक्रिट मालूम है या एच बी मालूम है, तो उनसे आप एमसीएचसी, एमसीवी, एमसीएच कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूलाज यूज करेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज अबाउट दीज फॉर्मूलाज। अच्छा बच्चों, फर्स्ट फार्मूला पे आ जाएं। हेमेटोक्रिट डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू हीमोग्लोबिन, यानी कि अगर किसी की हेमेटोक्रिट है, आप सपोज कर लें 50% है हेमेटोक्रिट, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्या आ जाएगी हीमोग्लोबिन? 16। ठीक है, 16 ग्राम्स पर डेसीलीटर। इसी तरह नेक्स्ट फार्मूला है एम सी एच सी का, यानी कि हीमोग्लोबिन मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय हेमेटोक्रिट। तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं। हीमोग्लोबिन अगर किसी की 16 ग्राम्स पर डेसीलीटर है, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से और डिवाइडेड कर देंगे हेमेटोक्रिट से। समझे, सपोज करें उसकी 50 है हेमेटोक्रिट, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 32 ग्राम्स पर डेसीलीटर उसकी एम सी एच सी। ठीक है, तो ये 32 ग्राम्स पर डेसीलीटर आ गई है एम सी एच सी। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला पे आ जाए, हीमोग्लोबिन मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू हीमेटोक्रिट। तो सपोज कर लें कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है 16 ग्राम्स पर डेसीलीटर, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 48। 48% क्या आ जाएगी, हेमेटोक्रिट। इसी तरह नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास आरबीसी काउंट का, हीमोग्लोबिन डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू आरबीसी काउंट। तो सपोज करें हमारी हीमोग्लोबिन 16 है पेशेंट की, इसको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ये हमारे पास आ जाएगा आरबीसी काउंट। नेक्स्ट फार्मूला है एमसीवी का, तो ये है हीमेटोक्रिट मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय आरबीसी। तो हमारे पास सपोज कर लें हीमेटोक्रिट है पेशेंट का क्या है, 50, तो 50 को हम मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे आरबीसी काउंट पे। तो सपोज करें हमारे पास आरबीसी काउंट है 5, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 फेमटोस लीटर उसका एम सी वी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट फार्मूला पे आ जाएं। नेक्स्ट फार्मूला है एम सी एच, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन का। इसका फार्मूला है एच बी मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय आर बी सी, और अगर हमारे पास सपोज कर लें एच बी है 16, ठीक है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइडेड बाय आरबीसी, आरबीसी काउंट सपोज कर लें 5 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी एम सी एच, 32 पिकोग्राम। पिकोग्राम इसका यूनिट है ना बच्चों, तो 32 पिकोग्राम हमारे पास एम सी एच आ जाएगी। सो ये वेरियस फॉर्मूलाज हैं हीमोग्लोबिन के, आरबीसी के, हीमेटोक्रिट, एम सी एच और एम सी एच सी के। ये हमें ऑलमोस्ट जो है वो बता देते हैं कि भाई आपकी क्या हो सकती है वैल्यू।